अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चॉकलेट प्लेन केक विदाउट एनी टॉपिंग बनाना सिखाऊंगी। और सबसे पहली बात कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करें। चलें तो आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो केक बनाने के लिए वो ये हैं, 1 कप मैदा, 1 कप मैदा, 3/4 आपने पिसी हुई चीनी लेनी है, और 2 कप अंडे, 1/2 कप ऑयल। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि जो ऑयल है वो 1/4 कर लेंगे, और 2 स्पून बटर की, और कोको पाउडर एज़ पर योर टेस्ट, और बेकिंग पाउडर उसमें हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1/2 स्पून। तो टू बिगिन विद इट, हम सबसे पहले 1 कप मैदा डालते हैं। आपने ये याद रखना है कि जो आप कप की क्वान्टिटी लेंगे वो सेम होनी चाहिए। और ये जो 3/4 कप पिसी हुई चीनी है, ये बग़ैर पिसी हुई हमने 3/4 कप नापी थी, हम इसमें ये भी ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर, ऑलमोस्ट 2 स्पून्स, 2 टेबल स्पून। इफ़ यू वांट टू ऐड कोको पाउडर तो ये एक बिल्कुल ऑप्शनल है, अदरवाइज आप पे बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आप प्लेन केक बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जो कोको पाउडर वाला स्टेप है उसको स्किप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 कप हम कोको पाउडर डालेंगे इसमें। जी, हमने इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर दी। आप जो सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छा, एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कि हम आपको केक बनाना सिखाएंगे ओवन के अलावा पैन में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप केक का बीटर वगैरह सब कुछ मिक्स करना शुरू कर दें तो आप साथ साथ जो पैन है उसको रख लें प्री हीटिंग के लिए, ठीक है। अब हम ये जो 2 अंडे और जो ऑयल हमने 1/2 कप लिया है इसको बीट करेंगे। अच्छा, ये जो हमने 1/4 कप ऑयल, 2 अंडे और 2 स्पून बटर हमने लिया था, ये हमने यहाँ पे रखा है, इसको हम अभी मिक्स करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे साथ साथ आप देखिए कि ये हमने जिस देगचे में, जिस पैन में हमने बनाना, ये हमने वो रखा है, और इसकी जो फ्लेम होगी वो मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना, और इसको आपने कवर करके रखना है फॉर ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। अच्छा, ये जो हमने ऑयल वगैरह और अंडे दोनों को मिक्स किया था, तो इसको इतना थिक पेस्ट आपने देखें, इतना थिक पेस्ट बनाना है, और उसको हल्का हल्का पहले 1/2 डाल के आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ मिक्स कर रहे हैं, और साथ साथ हमने चूल्हा जलाया हुआ है और ऊपर हमने पतीला रखा हुआ है इसको हीट अप करने के लिए, कैसे ही मिक्सर रेडी हो जाएगा। तो हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे, और उस बाउल में जैसे आप देख रहे हैं ये खाकी कागज़ पड़ा हुआ है, उस हम नीचे ये रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि केक जो है वो चिपके ना, एंड यू कैन ऐड सम मेज इन इट एज वेल ताकि जलने की स्मेल ना आए। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। एटलीस्ट 5 कॉन्टैक्ट्स को तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा। आपको दुआओं में याद रखूंगी, और आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, ये अब आप देखेंगे कि जो आपका पेस्ट है थोड़ा सा थिक बनेगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें ऑलमोस्ट 2 स्पून मिल्क ऐड कर दें, ठीक है। इसमें 2 चम्मच दूध डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। समटाइम्स इतना कुछ लोग इतना मॉइस्ट केक पसंद नहीं करते, तो आप 1 स्पून भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद हम इसमें बस इसको अपने पैन में डालते हैं और उसको फिर हम जो हमने देखची जिसमें केक बनाना है उसको हमने ऑलमोस्ट 20 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे उसको प्री हीट करना है ताकि वो अच्छे से जो टेम्परेचर है उसका वो मेंटेन हो जाए। और अभी हम ये देखिए आप इसका टेक्सचर चेक कर रहे होंगे, इट्स वेरी स्मूथ, इसमें कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा कि कुछ भी इसमें प्यूक से बने हुए हों। सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी और आपने इसको बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है ताकि बेकिंग पाउडर का जो फ्लेवर है वो ख़राब ना हो। अच्छा अब हमने एक पैन लिया है, एक बाउल सा एक पैन लिया है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं। हमने जो हाथी कागज़ लिया था इसको इसमें प्लेस करेंगे, ठीक है। वैसे तो मार्केट में केक बनाने के लिए बाउल्स मिलते हैं लेकिन हमने ये घर में बनाया है और आपकी आसानी के लिए आपको घर के बर्तनों में बनाना सिखा रहे हैं ताकि कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो अच्छा, अब इसमें अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके ना, ठीक है। इसको अब हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना कि वो आपके केक में बहुत सोगी टेस्ट आएगा। ये जब आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया तो ये जो आपने पेस्ट बनाया था इसको एज इट इज़ जस्ट पुट इट इन द बाउल। आप देखें ये बाउल हमने इसमें केक एडजस्ट कर लिया सारा, इसको अब हम जो हमने पैन रखा था प्री हीट होने के लिए इसमें हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इसको लिड से कवर कर देंगे और इसके ऊपर आप कोई भी हैवी चीज़ रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके घर में मौजूद है। और आपने 45 मिनट्स के लिए एटलीस्ट इसको नहीं उठाना। तो इसके ऊपर हमने ये सील रखनी है। अब ऑलमोस्ट हमारे किचन में सील ही सबसे हैवी चीज़ होती है तो हमने सील रखी। अच्छा अब इसका फ्लेम आप देख लें, ये ज़्यादा हल्का भी नहीं होगा और इतना तेज़ भी नहीं होगा, लाइक जितना आप चावलों के दम के लिए रखते हैं ना उससे थोड़ा सा तेज़ आप फ्लेम रखेंगे। और 45 मिनट्स के बाद आप देखेंगे और साथ साथ आपको उसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप उसको लिड उतार दीजिएगा। उससे पहले अगर आप चेक करेंगे तो जो बेकिंग पाउडर होता है वो सही से फूलता नहीं है। इसको हमने अब दरमियान में कितने मिनट बाद चेक करना है, 45 मिनट्स के बाद चेक करना है। लो मीडियम फ्लेम पर हमने रखा हुआ है इसको। ओके अब हम 45 मिनट्स के बाद इसको चेक करेंगे। जी व्यूअर्स 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम अपने केक को चेक करते हैं कि वो बेक हो गया है या नहीं। अब हम इसका कवर उतारेंगे, कवर उतार के देखें, वाओ ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। अब हम इसमें छुरी या कांटे की मदद से चेक करेंगे कि ये अंदर तक बेक हुआ है या नहीं। वाओ जी व्यूअर्स ये केक हमने डिश आउट कर लिया और इसका अब हम ये रैपर इसको अलग कर देंगे, इस तरह हमने अलग करना है। और वाह अब देखें इसकी लुक आई है ज़बरदस्त। ये केक को हम कट करेंगे, इसका पीस कट करके आपको दिखा रही हूँ। वाओ कितना सॉफ्ट बना है, उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का बोलें, लाइक करें शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।